اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الابصار وهو يدوي كل أبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة بْنِ الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاه توأى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وال محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام

मौला अली अबनबी सलाम की तनहाई और 25 साल की खामोशी और शहादत का तस्करा है रान ग्रामी इस मौजू को समझने से पहले ख़ुद हमें ये जानना पड़ेगा कि हम ख़ुद अली के बारे में कितना जानते हैं अली के बारे में कितना पहचानते हैं खुब बाज़ बच्चे अली के बारे में इतना जानते हैं कि अली अलीबनबी तालिब का नाम अली था उनके वालिद का नाम अबू तालिब था उनकी वालदा का नाम फ़ातमा बिन असद था जाय विलादत खाने काबा थी तारीख़ विलादत तेवाजब थी खूब ये मालूम इतनी हद तक हैं जितनी इंसान को किसी के शनाख्ती कार्ड के बारे में मालूम होता है के नाम क्या था वालिद का नाम क्या है वालदा का नाम क्या है जाए विलादत क्या है तारीख़ विलादत क्या है खूब इतना काफ़ी नहीं है इससे बढ़ के बास बच्चे हैं जिनको ये भी मालूम है कि मौला अली तालिब नबी तलेबलम वो हस्ती थे कि जो रसूल अक्रम वसल्लम पर ईमान लाने वालों में सबसे पहले शख़्स थे सबक़िन में से थे सबसे पहले शख़्स थे दावत षीरा के अंदर वसूल ने इन्हें अपना जानशीन बनाया था जंग बदर के अंदर मौलान उतबा और वलीद बिन उतबा को जहनुम वासिल किया था जंग वहद के अंदर मौला ने जब तलवार चलाई तो आसमान से एक तलवार आती है फ़ार और निजा आती है लाफत अली लैफ़ अला जफ़ार जंग खंदक के अंदर मौला अम बिन अब्दव को जहनुमसिल करते हैं जंग खैबर के अंदर मौला महब को जहनुमासिल करते हैं खूब इंसान इतना जानता है इससे ज़्यादा नहीं जानता इतना भी काफ़ी नहीं है मौला की माफ़त हासिल करने के लिए इंसान बाज़ अफराद इससे ज़्यादा जानते हैं इससे ज़्यादा क्या जानते हैं मौला के बाद मुआजात के बारे में जानते हैं प्यवाल के बारे में जानते हैं कि अली अब नबी तालब जब गहवावे में थे तो एक अजदहा आया मौला ने एक हाथ से उस अजदहे को पकड़ कर उसे मार दिया मौला जब नमाज़ पढ़ रहे थे उनके पैर में एक तीर मौजूद था जब तीर को निकाला गया तो ऐसे तीर निकला लेकिन मौला को महसूस ही नहीं हुआ खुबाज़ ऐसी प्याम मौला के बारे में जानते हैं कि जो मुआजात हैं जो प्यवाम हैं खूब इससे बढ़ के भी हमें मालूम होना चाहिए कि मौला अली अबन अभी तालबला सलाम का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक था मौला अलीबन अभी तलेबला वसलाम का सबर कैसा था उनकी नमाज कैसी थी उनका रोज़ा कैसा था उनका हज कैसा था उनका अपने घर में बर्ताव कैसा था अपने अजवाज के साथ रफ्तार कैसी थी गुफ्तार कैसी थी मौला का करदार अहाब के साथ कैसा था जब दोस्तों से मिलते थे तो किस तरीक़े से मिलते थे जब दुश्मनों से मिलते थे तो किस तरीक़े से मिलते थे खूब ये भी मौला अलीब अबी तालिब की ज़िंदगी के उनके किरदार के हिस्सों में से एक हिस्सा है ऐसा ना हो कि जिस तरीक़े से वसूल के बाद लोगों ने मौला अली इब्ने नबी तालिब से अपने माशरती मसाइल को हल करने के लिए वजू नहीं किया आज हम भी अली अबनबी तालिब को नवजबिल्ला तन्हा छोड़ दें खूब आज शब कदब है हमें कोशिश करनी चाहिए कि शब कदर के अंदर कम अज़ कम कम अज़ कम इब्ने अबनबी तालिब का वसीयत नामा जो नहजुर बलागा के खुतबा नंबर फोटी सेवन के अंदर है कि जब मौला को इबन मुलजिम ने जैबत लगाई तो जैबत लगाने के बाद मौला ने गैर इमाम हसन साम इमाम हुसैन आसलम को वसीयत की वसीयत यानी नसीहत की तो खूब वो वसीयत और नसीहत सिर्फ़ हसन और हुसैन के लिए नहीं थी वो वसीयत हम सबको पैगाम पहुंचाने के लिए थी आने वाली वहती दुनिया तक के लिए मौला का पैगाम है खूब को कोशिश करें हम कि शब क़दम में नहजुलबलागा खोलें मौला को तनहा न छोड़ें और उनकी बात सुने उनके फैमान और इशादात को सुने खूब मौला की तनहाई शुरू होती है रसूल सलील वसम की वफ़ात के बाद रसूल की शहादत के बाद से लेकर पच्चीस साल के अरसे तक का एक ज़माना है जिसमें पहली तनहाई और खामोशी है मौला की ऐसी खामोशी है कि मौला के जिस फैमान को मैंने आपके सामने सरनामा कलाम के तौर पर पेश किया मौला फैमाते तवह हश तोहफिल कफिल बल्का मैं तन्हा हो गया खुश्क सहवा के अंदर जहा ना पानी था ना घास थी फलम अरा वह शतन अशद दमिन कवीन सऊ तो मुझे तन्हाई अच्छी लगी तन्हाई को मैंने बहते पाया बुरे दोस्तों की सोहबत से यानी वो अली इब्ने अबी तालिब जो इतना फ़ाल है इतना एक्टिव है कि वसूल के ज़माने में हर आयत अली इब्ने अबी तालिब के बारे में जो अमल मौला अंजाम देते हैं आयत उतरती है अंगूठी अगर साहिल को दे दी तो आयत उतरवा है अगर तीन दिन रोज़ा रखते वक्त यतीम मिसकीन और असीम को खाना खिलाया तो आयत उतर हुई है आयत नाजिल हो रही है जंग करते हैं तो आयत नाजिल हो रही है शब हिजरत के वक्त सो जाते हैं तो खुदा ने मुताल आयत भेजवा है वो अली जो इतना फ़ाल है इतना एक्टिव है वसूल की वफात के बाद क्या ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से मौला पच्चीस साल तक खामोश रहते हैं और सिर्फ यही नहीं वो तमाम अफवाद जो गदीब के अंदर मौला के हाथ पर बैत करते हैं एक लाख चौबीस हज़ार अब गदीब में मौला के बैत करते हैं ये सब कहाँ चले जाते हैं मौला क्यों तनहा रह जाते हैं तो खूब चंद ऐसे मागुज़ात हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो क्या अवामिल हैं क्या इसबाब है जिसकी वजह से वक्त का इमाम तनहा हो जाता है खूब सबसे पहली चीज़ जिसकी वजह से 25 साल के अर्से में मौला खामोश हो जाते हैं वो लोगों की दुनिया परस्ती और हब्ब रियासत है लोग दुनिया के मुरीद हो चुके थे उन्हें दुनिया चाहिए थी और रसूल के जानशीन को खुदा के नुमाइंदे को छोड़ दिया मुसलमानों की कसीर तादाद का ताज़ा मुसलमान होना बाज़ बल्कि कसीर अफवाद ऐसे थे जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे और वसूल सल वम का की वहलत हो चुकी थी तो इस वजह से उन्हें दीन के बाद अहम मसाइल मालूम नहीं थे इल्म में कमी थी तीसरी वजह बाज बाद की बाज़ अफराद की सियासतबाजी बाज़ अफराद ने ऐलान कर दिया था कि वसूल के अहदीस को लिखा नहीं जाएगा रसूल की अदादी को एक अवसे तक तवील मुद्दत तक लिखना ममनू हो गया खूब जिसकी वजह से लोग मौला के फजाइल को नहीं पहचानते थे रसूल के अहाीस में एक बड़ा अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल का है खूब जब अहादीस ही नहीं लिखी जाएंगी तो मौला के फजाइल लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे चौथा मविद जिसकी वजह से मौला खामोशी इख्तियार कर लेते हैं बाज़ ऐसे अफराद को देखते हैं जो जाहिलियत का ज़माने जाहिलियत के ज़माने का कीना और बोगज़ रखते थे खूब जब वो ऐसे अफवाह थे तो वो अली को रास्ते से हटाना चाहते थे और अली अपने मकसद से अपने हदफ से बड़े हदफ से दूर हो जाते दीन की बका के हदफ से दूर हो जाते अगर अली अपने अभी इब्न अभी ख़ामोश ना रहते खूब मौला ख़ामोश हो जाते हैं पच्चीस साल का विशा वाहिद हस्ती जो नबी तालिब की हिमायत के लिए आती है नबी तालिब की मदद करती है वो फातिमा तो जहवा है। जगह जगह मौके मौके पर नबी तालिब को लोगों ने तन्हा छोड़ दिया ऐसे तनहा छोड़ दिया कि मौला एक मरतबा जनाब सैदा के पास आते हैं और आकर ये कहते हैं कि फरमाते हैं कि बिनते बिनतेसूल ये तो दूर की बात कि वो लोग जो मुसलमान हैं वो वह अलीबन अबी तालिब को सलाम करें ये दूर की बात है अब तो ये वक्त आ गया है कि अगर अली इब्ने अबी तालिब भी उन्हें सलाम करता है तो वो जवाब नहीं देते मौला इस तरीके से तन्हाई का शिकार हैं ऐसे में जब जनाब सैदा की वहलत का वक्त कभी आता है तो जनाब सैदा गिविया करती हैं मौला जनाब सैदा के पास तश्रीफ लाते हैं और कहते हैं या सैदती माँ युवकी की ए मेरी सवदार खूब अली जनाब सैदा का एहतराम कह रहे हैं आम तौर पर नहीं सोचें कि मौला अपनी जोजा से एक आम ज़ोज़ा से गुफ्तु कह रहे हैं नहीं वसूल की बेटी से गुफ्तगु कह रहे हैं इसलिए ये नहीं कहा या जूजती ए मेरी जोजा नहीं कहा या सैदती ए मेरी सैयदो सवदार मौला कह रहे हैं जनाब सैदा को माँ युग की आप क्यों गेविया कह रही हैं कौलत जनाब सैदा फर्माती हैं अब की लिमा तुलका बादी मैं उन मसाइल को सोचकर गेविया कह रही हूं जो मेरे बाद आप पढ़ाएंगे तो जनाब सैदा अभी जानती हैं कि मौला के पास एक ऐसे अफवाद मौजूद हैं जो अली अबी तालिब को इस तरीके से अजियत देंगे कि जनाब सैदा फहमा कि जो मेवे बाद आपको पेश आएगा उसके बारे में मैं गिविया कह रही हूं। जब तक जनाब सैदा जिंदा थी दिफा करती वहीं हिमायत करती वहीं अली अबी तालिब की विलायत का कर दिफा करती वहीं विलायत अबी तालिब का कर दिफा करने वाली वाहिद खातून जो इस 25 साल के अवसर में है वो जनाब सैदा की ज़ात नजर आती है को मौला जवाब देते हैं कि जिस तरीके से अल्लाह ने पहले में भी हिफाजत की है अब भी में भी हिफाजत करेगा इसके बाद का असा शुरू होता है खिलाफत ज़ाहिवी का अर्सा जिसमें मौला को अगचे की खिलाफत मिल चुकी है लेकिन फिर भी मौला अपनी तन्हाई का इजहार करते हैं ऐलान करते हैं और उसकी वजह क्या थी वजूहत क्या थी इसमें से सबसे पहली वजह थी ख्वाहिश का तजाद या टकराव मौला की ख्वाहिश थी लोगों को बुलंदी पर ले जाएं सादत पर ले जाएं कमाल पर ले जाएं लेकिन लोगों की ख्वाहिश थी कि उन्हें दुनिया मिल जाए उन्हें मालो दौलत मिल जाए मालो मत मिल जाए सेवत मिल जाए खुब आपको समझाने के लिए एक शख्स देखता है कि दो अफवाद हैं आपस में एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं कि वो एक सीढ़ी के पास खड़े हुए हैं और एक फे एक शख्स चाहता है कि फिविज को ऊपर से पकड़ा है जिसने और दूसरा शख्स है उसने फिविज को नीचे से पकड़ा है दोनों तगड़े हैं ताकत वाले हैं हिम्मत वाले हैं लेकिन फिविज ट्रस्ट से मस्त नहीं होगा हफ्कत नहीं कह रहा जिसने नीचे से पकड़ा हुआ है फ्रिज को वो भी इसको हरकत देना चाहता है ऊपर वाला भी इसको हरकत देना चाहता है लेकिन उसमें हरकत नहीं होगी तो परेशान हो जाते हैं कि क्यों फ्रिज हरकत नहीं कह रहा टच से मस्त नहीं होगा हालांकि इतना भारी भी नहीं है तो खूब जो शख्स इन्हें देख रहा था वो कहता है कि तुम दोनों आपस में क्यों इस फ्रिज को हिरकत नहीं दे पा रहे हो तो वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही तो वो पहले शख्स को जो नीचे खड़ा हुआ था उसे कहता है कि तुम क्या करना चाह रहे थे कहा कि मैं फ्रिज को नीचे ले जाना चाह रहा था जिसने ऊपर से पकड़ा हुआ तो उससे पूछता है तू क्या करना चाह रहा था तो वो कहता है कि मैं फ्रिज को ऊपर ले जाना चाह रहा था तो खूब जो फ्रिज को ऊपर ले जाना चाह रहा था वो ऊपर की तरफ खींच रहा था जो नीचे ले जाना चाहता था वो नीचे की तरफ खींच रहा था और ऐसी सूरत के अंदर फ्रिज हरकत नहीं कर रहा था अज़ान गवामी बिल्कुल इसी तरीके से मौला के ज़माने में भी मौला लोगों को बुलंदी पर ले जाना चाहते थे शादत पर ले जाना चाहते थे लोग कहते थे हमें बुलंदी नहीं चाहिए हमें आखिरत नहीं चाहिए हमें यही दुनिया चाहिए तो खूब इस वजह से मौला तन्हा रह है जाते हैं और मौला की बात की इतात नहीं की जाती है मौला फरमाते हैं लई सा अमवी व अम वकुम वाहिद मेरा और तुम्हारा अमर एक नहीं है इन उविद लिल्लाह वन तुम तुवीदूनी लेफोसिकम कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए चाहता हूँ लेकिन तुम लोग मुझे अपनी खातिर चाहते हो खूब इस वजह से लोग मौला को तन्हा छोड़ देते हैं इसके अलावा एक और बात जो वजह बनती है कि मौला खामोशी के साथ सहवा में जाते हैं और गिविया कहते हैं लोगों की मदद ना होने की बिना पर वो वजह यह है कि शुबहत का विवाद डाल दिया जाता है जब मौला जंग के लिए बुलाते हैं तो लोग शुबहत में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान मुसलमान के साथ कैसे जंग कर सकते हैं ये नहीं देखते कि मोमिन मोमिन के साथ जंग नहीं कहवाए बल्कि यहाँ अमी उलमिन का हुक्म है कि दीन की बका के खातिर सामने मुकाबले पर जो तीन गिरोह हैं जंग जमल में जंग सिफीन और जंग नैवान के अंदर वो लोग इस्लाम की बका नहीं चाहते वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी चाहते हैं इसलिए मौला इस फितने को ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन लोग शुभात का शिकार हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मौला आप मुझे ऐसी तलवार दें जिस जो मोमिन और उकाफ़े के दरमियान फर्क कर सके मैं मोमिन के साथ जंग नहीं लड़ सकता साध बिन अभी वक़ास इस तरीके से कहता है उसामा आकर कहता है अनताज़ुलखल कलिया वलकन्नी आहतलकातः क्या आप मेरे नज़दीक अज़ीज़ तवीन हैं तमाम मखलूक़ में लेकिन मैंने खुदा से वादा किया है कि मैं अहल्ला के साथ जंग नहीं लड़ूँगा खूब इस तरीक़े से मौला को मजबूर किया जाता है और परेशान किया जाता है यहाँ तक के कि अलीब नबी तलब इन अफवाज से इतने परेशान हो जाते हैं और अली अबी तालिब को ये अफवाद इतनी तकलीफ़ें पहुँचाते हैं कि अबू साले हनफी कहता है कि मैंने अली अलैहिस्सलाम को देखा उन्होंने क़ुरान को अपने सर पर रखा हुआ था इस हाल में कि क़ुरान का एक सफ़ा इनके सर पर गिर रहा था और वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे अल्लाहुम्मा कद मनाऊ माफी ही फाती नाफ़ी ही पैवर इन लोगों ने मुझे हर उस चीज़ से रोक दिया जो क़ुरान का हुक्म था तो तू मुझे वो चीज़ें दे दे जो कुरान के अंदर हैं और उम कद अफगज़ तो हम वह अफगज़ूनी इन्होंने मुझे इतनी अजियत दी है इतनी तकलीफें है, पहुँचाई हैं कि मुझे अब इनसे नफरत हो गई है और इन्हें अब मुझसे नफरत हो गई है व मलल तो हम वह मललू मैं इनसे थक गया हूँ और ये मुझसे थक गए हैं वह हमलूनी अला गैल की व तबीयती और मुझे उन कामों पर मजबूर करना चाहते हैं जो मेरे अखलाक और तबीयत के ख़िलाफ़ है अल्लाहुम्मा फ़बदिल बिहिम खै वमिन वबदिल वबदिल हम बी मिन शे मिन्नी, नी दिगार मुझे इनके बदले में अच्छे अफवाह दे दे और इन्हें मेरे बदले में मुझसे ज़्यादा बदतर शख्स दे दे अल्लाहुम्मा मस्सा हम पैवर दिगार इनके दिल डूब चुके हैं कमा यमा सुलमिल हो फिल उसी तरीके से जिस तरीके से नमक पानी में मिल जाता है डूब जाता है तो मौला इस तरीके से ख़ुदा से दुआ कह रहे हैं खुदाया मैं इन अफराद से थक चुका हूँ जो मेरी बात नहीं सुनते वो वक्त भी आता है कि जब सन चालीस हिजवी है और मौला उस रमज़ान के महीने के अंदर है जिसका वादा मौला से किया गया था खूब चंद सन चालीस इजवी है जंग नहवान के चंद बचे खुचे अफ़राद जो मौला अली सलाम के दुश्मन हैं वो जमा होते हैं जिसमें से एक तमीमी है एक समीमी है और एक इबन मलज़म ये तीनों अफ़राद सवीमी, तमीमी और इबन मलज़म आपस में ये फ़ैसला करते हैं कि हम तीनों में से एक हाकिम शाम को एक आस को एक अली अबी तालिब को क़त्ल करेगा ताकि वो नहवान के खून का इंतकाम ले सके तो खूब इस काम के लिए उन्नीसवीं रमज़ान के दिन का इंतखब किया जाता है और माह रमज़ान की 19वीं शब और नमाज शब का वक्त मकबर किया जाता है खूब वो दोनों अफराद समीमी, सवीमी और तमीमी वो जाते हैं लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते इब्ने मुलज़म जब कोफा में पहुंचता है तो खवाज के दरमियान रहता है और वहाँ पर उसे उसकी मुलाकात होती है एक औरत से जिसका नाम है कत्तम वो उस पर फविफ्ता हो जाता है और उससे शादी के महब के बारे में मालूम करता है तो वो कहती है कि मेरे बाप और मेरे भाई को अलीब ने अभी तालिब ने क़त्ल कर दिया था तो अगर तू चाहता है कि मुझसे मुलहक हो तो तू अलीबनबी तालिब का सर मेरे पास ले कर आज़ान तो गिरी दुनिया की मोहब्बत ऐसी हुआ करती है कि इंसान अपने वक्त के इमाम को क़त्ल करने पर राजी हो जाता है वो बिबिन मुलजिम उन्नीसवीं की शब को मस्जिद में बैठता है और मौला के आने का इंतज़ार करता है उधर मौला चूँकि इस रमज़ान के अंदर बावी बावी तमाम औलाद और अब्दुल्ला अपने जाफ़र के यहाँ रोज़ा इफ्तार करते थे तो उन लोगों ने देखा कि गजा बहुत कम तनावुलफमा रहे थे मौला चंद लुकमों से ज़्यादा तनावुल नहीं फहमा रहे थे तो पूछा जाता था कि मौला आप क्यों कम खा रहे हैं तो फरमाते थे वना ख़मीस कि मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मौत आए तो मैं खाली शिकम हूँ उन्नीसवी की शब को मौला जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ तशरीफ़ लाते हैं जनाब उम्मे कल्सूम जौ की दो रोटियाँ एक दूध का प्याला और एक तस्तवी में नमक पेश करती हैं जब आपने इस खाने को देखा तो फरमाया कि मैंने रसूल अल्लाह की पैरवी में कभी गवारा नहीं किया कि एक वक्त में दस्तरखान पर दो किस्म की चीज़ें मौजूद हों ए बेटी दुनिया के हलाल में हिसाब है और हराम में काब क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बाप देव तक मौकफ़ हिसाब में खड़ा रहे इन दो चीज़ों में से एक चीज़ उठा लो जनाब उम कुलसूम ने दूध का प्याला उठा लिया और आपने चंद में नमक के साथ तनाउल फरमाए खाने से फारिग होकर हजब मामूल मसल इबादत पर खड़े हो गए मगर आज बार बार सहन में निकलते आसमान पर नज़र करते और डूबते और झिलमिलाते हुए सितारों को देखते और फरमाते वा मा कज़िबतु वला व वा अन्लती वाह तो बेहा बिहा कि खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना मुझे गलत बताया गया है यही वो बात है जिसका मुझसे वादा किया गया है आप कै वो इस्तेवाब की हालत में कभी सुबह यासीन की तिलावत करते कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते कभी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते और कभी कहते अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत खुदाया मौत को मेरे लिए बाबरकत करवा दे उम्मे कुलसूम ने जब यह कैफियत देखी तो अर्ज़ किया बाबा आज, आज आज आप इतने परेशान हाल क्यों हैं तो फैमाया बेटी आखरत की मंजिल दरपेश है और मैं अल्लाह की बारगाह में जाने वाला हूँ उम्म कुलसूम ने आंखों में आंसू भर कर कहा बाबा आज आप मस्जिद में तशरीफ़ ना ले जाएं ज़्यादा मौजूद हैं उन्हें हुक्म दीजिए वो नमाज़ पढ़ा दें ला मिन क़ज़ा फ़दा क़ज़ा इलाही से बच निकलने की कोई सूरत नहीं है अभी कुछ रात बाकी थी कि मोजिन ने हाज़िर होकर नमाज के लिए अर्ज़ किया कि आप मस्जिद की तरफ तश्ीफ लाएँ हजरत मस्जिद के इरादे से उठ खड़े होते हैं जब सहने खाना में तश्ीफ लाते हैं तो घर में पली हुई बदखों ने पैर फड़फड़ाए और चीखने चिल्लाने लगी किसी ने इन बतखों को हटाना चाहा तो फरमाया इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो अभी कुछ देर के बाद नोहा और बुका और नाला और शेवन की आवाज़ें बुलंद होंगी इमाम हसन या उम्मे कुलसुम नर्स के बाबा आज आप कैसी बातें कह रहे हैं फरमाया कलमा हक था जो मेरी ज़बान पर जावी हो गया है फिर हजरत ने उम्मे कुलसुम से फरमाया बेटी ये बेजबान जानवर हैं इनके आबो दाने का ख्याल रखना और अगर ऐसा ना कर सको तो इन्हें रिहा कर देना ताकि ये जमीन में चल कर अपना पेट पाल सकें जब दरवाजे के करीब पहुंचे तो पटका कमई में कस कर बांधा और रासारी हाँ की ये दो अशार पढ़े अशदहन जयम अकल अलमौत फिनमौत का मौत के लिए कमर कस लो इसलिए कि मौत तुम्हारे सामने आने वाली है वला तज़ा मौत इज़ा हल्ला बदी का जब मौत तुम्हारे यहाँ डेवे डाले तो इस पर बेताबी का मुजाहरा ना करो उम्मे कुलसुम ने आंसू बहाते हुए बाप को अलविदा कहा मौला हसन ने चाहा कि मस्जिद तक हजरत के हम विकाप जाएं मगर आपने मना कर दिया जब मस्जिद में तश्ीफ लाए तो मस्जिद तारिकी में डूबी हुई थी आपने अंधेरे में चंद रखा नमाज पढ़ी और तकीबात से फाविग हुए तो खूनवी हो चुकी थी आप गुलदस्ता अजान पर तशरीफ़ ले गए और सुबह की अजान दी यह आपकी आखिरी अजान थी जो मस्जिद से बुलंद हुई और कूफा के हर घर में सुनी गई अजान के बाद कहकर लोगों को नमाज सुख के लिए बेदार करने लगे इतने में आपने देखा कि मुलजिम भी ऊंधे मुंह लेटा हुआ है तो फरमाया शैतान के सोने का अंदाज है दाहनी कैवट सो जो ममिन का शुआब है या बाएं कायवट लेट जो हुकमा का तवीका है फिर मौला ने कहा कि उठ नमाज पढ़ अगरचे मैं जानता हूँ कि तू किस इवादे से आया है हजरत लोगों को बेदार करने के बाद महबाब इबादत में खड़े हो गए और जब नाफिला सुबह की पहली वक़्त के सजदे से सर उठाया तो शबीब ने तलवार से हमला किया मगर तलवार सूतू ने मस्जिद से टकराई और इसका वार नाकाम रहा फिर ने मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार सर मारी जिससे फ़र्क मुबारक शगाफ्ता हो गया आपने बेसाख्ता फहमाया बसमिल्ल वाल काबा बा काबा की कसम मैं कामयाब हो गया हूं लोगों मुझे यहूदिया के बेटे इबन मुलजिम ने कत्ल कर डाला है बस जब जैबत लगती है तो काबा की कसम खाने वाले अली अबी तालिब के आज़ा मुतासर व मुज़माहिल होते हैं और मस्जिद के दरवाजे आपस में टकराते हैं आसमान कांपता है और ज़मीन और आसमान के दरमियान ये आवाज़ गूंजती है तहद दमत वरकानलहुदातिल इब्न अम्लम कतिलवसीमुतबा कतल अलीमतजा खुदा की कसम रुकन हिदायत गिर गए इबन अम रसूल कतल कर दिए गए वसी पैगम्बर मारे गए अली इबन मतजज़ा अली मतज़ा शहीद कर दिए गए इस आवाज़ ने कोफा की आबादी को लफजा दिया तमाम शहर काँप उठा और लोग घरों से बाहर निकल आए इमाम हसन इमाम हुसैन परेशान हाल मस्जिद की तरफ दौड़े जहाँ लोग फूट फूट कर रो रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे कि अमी मोमिनीन शहीद कर दिए गए फर्जंदा रसूल ने आगे बढ़कर देखा कि महबाब मस्जिद लहू से तर है और हजरत खाक खाको खून में पड़े लौट रहे हैं और मिट्टी उठा उठा उठाकर फवा के मुबारक पर डालते और इस आयत की तिलावत फरमाते मिन खलक नाकुम व फ़ीहा नुहीदकु व मिनारा नुरे जो कुमता नुखा हमने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और ज़मीन की तरफ पलटाएंगे और इसी से दोबारा निकालेंगे फिर मौला फरमाते हैं कि अः हसन इब्ने मुलजिम को उतना ही उतनी ही जैबत लगाना जितनी जैबत उसने मुझे लगाई और उसे वो सब चीज़ खाने के लिए देना कि जो तुम मुझे दोगे या कुम वलमसला वलकलबिलूर के वसूल अलैहि वसम ने फरमाया खबरदार किसी को मुसला ना करना अगरचे काटने वाला कुत्ता ही क्यों ना हो अगर मैं ज़िंदा रह गया तो खुद मेरे इख्तियार पर है कि मैं इसे आज़ाद कर दूँ या इसे कत्ल कर दूँ लेकिन अगर मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो तुम इससे इसे के कत्ल कर देना और एक जैरबत के बदले एक ही जरबत लगाना मैं कहूँगा मौला जब आपके श... स पर जर्बत लगी तो मौला हसन मौजूद थे मौला हुसैन मौजूद थे बीबी जैनब मौजूद थी बीबी उम्म कुलसूम मौजूद थी लेकिन कैबला का वो मैदान है जिसमें हुसैन इब्ने अली के गर्दन पर जब शिम ख़ंजर चलाता है तो ना कासिम मौजूद हैं नाली अकबर मौजूद हैं ना अब्बास मौजूद हुसैन इबन अली कैबला की ज़मीन पर अकेले और तनह उनका लाशा बेगौर का फ़न तीन दिन तक पड़ा रहता है अलाना <पारा> जलमिन वैयामी लमकलब्यान कलेबून खुदाया तुझे वास्तव महमद मोहम्मद का हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फैमा रब बना तकब्बल मन्ना का अंत समीआलीम व तोना का अंत तोम